दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के ड्रामास का कोई मुकाबला नहीं। इसी तरह से आज हम बात करने वाले हैं एक और आने वाले जबरदस्त ड्रामा की, जिसका नाम है रक्से बिस्मिल। और इस ड्रामा की कास्ट में द वेरी टैलेंटेड इमरान अशरफ शामिल हैं, और इसके अलावा रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहने वाली सारा खान भी शामिल हैं, जो इस कास्ट को और ज़्यादा हसीन बनाने वाली हैं। दोस्तों, इस ड्रामा की स्टोरी और इसकी कास्ट में कौन कौन है, इस बारे में आज हम आपको पूरी डिटेल्स देने वाले हैं। तो मजीद बात करने से पहले हमारे इस चैनल रऊफ स्पीक्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इमरान अशरफ, जो अब सिर्फ ड्रामास में ही काम नहीं कर रहे, बल्कि अब अपने ड्रामास खुद लिख भी रहे हैं। रिसेंटली मुश्क ड्रामा भी कंप्लीट इन्होंने ही लिखा है, और अब रक्से बिस्मिल में भी हमें ये नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इस ड्रामा की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ चुकी है। सारा खान, एक ऐसा नाम जो पिछले महीने से बेहद सुना जा रहा है, क्योंकि इतने अचानक से इनकी शादी के बाद अब लोग इन्हें बहुत ज्यादा सर्च करने लगे हैं। टैलेंटेड अदाकारा सारा खान भी इमरान अशरफ के साथ इस ड्रामा को लीड कर रही हैं, और ये शादी के बाद रक्से बिस्मिल उनका पहला ड्रामा ही होगा। अनुशे अब्बासी, बेहतरीन अदाकारी की वजह से जाने जाने वाली अनुशे हमें प्रेम गली के बाद बैक टू बैक ड्रामास में नजर आने वाली हैं, जिसमें रक्से बिस्मिल में इनका किरदार बहुत ही ज्यादा अहम है। महमूद असलम, बुलबुले से मैसिव फेम मिलने के बाद महमूद असलम भी अब बेहद ड्रामास में नजर आने लगे हैं, लेकिन लोग इन्हें ज्यादा दिलचस्पी से बुलबुले में ही देखते हैं, जबकि ये सीरियस कैरेक्टर्स को भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निभाते हैं, और ये भी रक्से बिस्मिल की कास्ट का हिस्सा हैं। सलीम मेराज, पाकिस्तान के वाहिद अदाकार जिन्हें नवाजुद्दीन सिद्दीकी से कंपेयर किया जाता है, और ये भी बहुत पुराने एक्टर हैं जिन्होंने बेहद स्ट्रगल के बाद अपना ये मुकाम बनाया है, ये भी रक्से बिस्मिल की कास्ट में ऑफिशियली शामिल हैं। निदा मुमताज़, अक्सर ड्रामास में हीरोइन की वालदा का रोल प्ले करने वाली निदा मुमताज़ भी रक्से बिस्मिल में हमें दिखाई देंगी। फुरकान कुरैशी, मेरे पास तुम हो से इन्हें भी बेहद फेम मिला है, जबकि इन्होंने इसके अलावा भी काफ़ी ड्रामास कर रखे हैं, और इनके इसी टैलेंट और इसी वजह से ये रक्से बिस्मिल का भी हिस्सा हैं। गुले राना, पाकिस्तानी ड्रामास में गुले राना का किरदार भी बहुत अहम है, जैसे निदा मुमताज़ का। गुलुकार आसिम अजहर की वालदा होने से पहले भी इनके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, और जब भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस ही थी, और ये भी रक्से बिस्मिल की कास्ट का ऑफिशियल हिस्सा हैं। दोस्तों, रक्से बिस्मिल दरअसल एक किस्म की लव स्टोरी है, जिसमें सारा खान और इमरान अशरफ लीड करेंगे, फिर उनके रिश्ते में मुश्किलात आएंगी इनके रहन सहन को लेकर, लेकिन रक्से बिस्मिल में आपको इमोशंस और ड्रामा सब देखने को मिलेगा। इसी तरह जितने भी किरदार इस ड्रामा में हैं, सारे ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, और सभी अपना किरदार बहुत ही अच्छे से निभाने वाले हैं। सारा खान और इमरान अशरफ दोनों ही इस वक्त अपने करियर की पीक साइड पर चल रहे हैं, और इन दोनों को लकी चार्म भी कहा जा सकता है। इस ड्रामा को डायरेक्ट किया है वजाहत रऊफ ने, और प्रोड्यूस किया है शाजिया वजाहत ने। ये ड्रामा 2020 के एंड से पहले ही शुरू हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस ड्रामा की कास्ट पसंद आई होगी और हमारी वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ज़रूर हमारे इस चैनल रऊफ स्पीक्स को सब्सक्राइब करें, और जाने से पहले बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली हर नई अपडेट आप लोगों तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। शुक्रिया।